वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हम लोग एक्चुअल में देखने के वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो भी आपके द हिंदू की बात करते हैं, ठीक है. सो अगर द हिंदू की आप बात कर रहे हैं या फिर आप PIB की बात कर रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, ठीक है. इफ़ इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, आपके और भी जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर कोई भी और आपका इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो लेट मी टेक अनदर वन. अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो हमारा चैनल है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, ठीक है. दैट विल बी एक्सेल लर्निंग, ठीक है. एक्सेल लर्निंग मैंने स्टार्ट किया है एंड आज उसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है. सो विल बी डीलिंग टुडे, हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपके दो इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ है, दो आपकी फेमस पर्सनैलिटीज़ है विच हैज़ बीन इन न्यूज़, जो अभी आपकी न्यूज़ में रही है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड ये जो दो आपकी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो ये हिस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. सो आपका, जैसा कि आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है अनअकैडमी पे, जिस तरीके से हम लोग हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस करते थे, ठीक है. सो उसी सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं. आपकी जो करंट की न्यूज़ होती है उसके साथ में बेसिकली हम लोग स्टैटिक को कवर करते हैं, ठीक है. सो टुडे अगर मैं आपसे कहूँ तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपके जो भी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उसको देखेंगे, जो आपकी न्यूज़ में थी, क्यों थी, उसको देखेंगे एंड जो आपका उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. सो कमिंग टू दिस, अगर देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज़ योर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं. अभी न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज ऑन 23 जुलाई इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट बाल गंगाधर तिलक ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. तो 23 जुलाई को इंडिया ने क्या किया है, अपने फ्रीडम फाइटर एंड हमारे जो एजुकेशनिस्ट थे, इंडिया सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को इफ़ यू ऑल नो तो सेलिब्रेट किया गया है. इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक. कमिंग टू द नेक्स्ट, इनके बारे में और देखते हैं, इनके जन्म की बात करते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1856, ठीक है. तो 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र को जो एरिया है वहाँ पर इनकी इनका बेसिकली बर्थ हुआ था. ये आपके एक फ्रीडम फाइटर है, ठीक है. ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर, लॉयर है एंड ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक. इनको क्या कहा जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है. अब बेसिकली इनको एजुकेशनिस्ट क्यों कहा जाता है, फ्रीडम फाइटिंग में तो इनका बहुत बड़ा रोल है, हम सब जानते हैं, बट वाई ही इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनिस्ट, सो डेट वी विल सी. एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती हैं आपके, चाहे आप UPSC का देखिए या किसी और एग्जामिनेशन की देखिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है आपका. ही वॉज फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, ठीक है. तो आपके डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी 1884 की, बेसिकली उसके ये फाउंडर रह चुके हैं अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट गोपाल गणेश अगरकल. किसके साथ में बेसिकली, अगर आपको पता हो तो इनके एक एसोसिएट थे गोपाल गणेश अगरकल के साथ में, ये आपके इंपॉर्टेंट फाउंडर मेंबर रह चुके हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की. वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में, जो पुणे में आपका फर्ग्यूसन कॉलेज बेसिकली बना था, उसके भी फाउंडर रह चुके हैं थ्रू द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. एंड इसका अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं तो वो भी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू ही फॉर्म हुआ था. तो ये दो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपको तिलक जी के द्वारा देखने को मिल जाएंगे. तो उसको ध्यान रखिएगा, फर्ग्यूसन कॉलेज तो कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर इनके बारे में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, आइडियोलॉजी की बात करते हैं. ही वॉज अ डिवोट हिंदू, ये क्या थे, हिंदू थे एंड यूज हिंदू स्क्रिप्चर्स टू राउज पीपल टू फाइट ऑपरेशन. एंड हिंदू के स्क्रिप्चर्स को ही यूज करते थे ताकि ये लोगों को, ये जो ऑपरेशन था आपके ब्रिटिश रूल का, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कहीं ना कहीं राउज कर सके, ठीक है, खड़ा कर सके. स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर सेल्फ रूल, इन्होंने क्या किया, सेल्फ रूल पे ज्यादा फोकस किया एंड बिलीव दैट विदाउट सेल्फ रूल और स्वराज नो प्रोग्रेस वर पॉसिबल. यानी कहीं ना कहीं ये स्वराज्य पे बिलोंग करते थे एंड ये चीज मानते थे कि बिना सेल्फ रूल के आपके लिए जो स्वतंत्रता है वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है. इन्होंने ही हमें वो स्लोगन दिया था, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा. ये स्टेटमेंट बेसिकली किसने दिया था, तिलक जी ने. एक बुक थी आप अगर आपको पता हो तो इंडियन अनरेस्ट की, जो वैलेंटाइन किरोल ने लिखी थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है. इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, इन्होंने कहा था तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. यानी इंडिया में अगर अनरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो उथल पुथल है, यानी लोगों के बीच में जो
आप किसके अगेंस्ट में देख सकते हैं, इफ यू सी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी आपको अनरेस्ट देखने को मिल रहा है उसके फादर किसको बताया था उन्होंने, तिलक को. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस थिंग कि स्वराज जी जो आपके तिलक जी का स्टेटमेंट है, एंड आपके वैलेंटाइन किरोल की जो बुक है इंडियन अनरेस्ट, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस रिवाइवल टू गो विद द पॉलिटिकल मूवमेंट्स. इन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, आपके कल्चरल एंड धार्मिक रिफॉर्म्स की, धार्मिक रिवाइवल की बात की थी, अगर आपको क्या करना है पॉलिटिकल मूवमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है. ही पॉपुलराइज्ड द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र रीजन. इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र रीजन में गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को पॉपुलराइज किया था. और क्यों पॉपुलराइज किया था, क्योंकि इनका मानना था कि जब लोग रिलीजियस चीज़ों में पास में आएंगे, गैदरिंग करेंगे, तो वो एक साइड यूनाइट हो पाएंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने में. ही प्रोपाउंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोनार्क छत्रपति शिवाजी. इन्होंने शिव जयंती मनाने की बात की थी, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, इनके जो मोनार्क थे छत्रपति शिवाजी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे. तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी आइडियोलॉजी के बारे में जो आपको देखने को मिलती है गंगाधर तिलक जी के दौर में. नाउ पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं, इनकी पॉलिटिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वोकल प्रोपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज. अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपके इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता या स्वराज की बात की थी, तो वो आपकी इन्होंने ही की थी, अलॉन्ग विथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ लाल बाल पाल ट्रायो. ठीक है, इसके पहले एक बार और न्यूज़ में आ चुका है. ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये न्यूज़ में क्यों थे. अभी लाल बाल पाल एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू द स्टेट, महाराष्ट्र के रीजन में कुछ हुआ था. ठीक, तो वहाँ पर लाल बाल पाल का ट्रायो जो था वो बेसिकली न्यूज़ में था, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके तिलक जी कि इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ही ज्वाइन द INC. इन्होंने 1890 में क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था. सूरत स्प्लिट की बात करते हैं, तो इट वॉज द स्प्लिट ऑफ INC इंटू टू ग्रुप्स. ठीक है, सूरत स्प्लिट में अगर आपको बात करते हैं तो आपका INC जो आपकी कांग्रेस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक आपकी एक्सट्रीमिस्ट थी और दूसरी आपकी मॉडरेट्स थी. तो ध्यान रखना है जो आपका सूरत का सेशन है उसी में बेसिकली आपके एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में आपकी कांग्रेस डिवाइड हो गई थी. रीजन क्या था, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड आइदर तिलक और लाजपत राय टू बी प्रेसिडेंट. जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे या तो तिलक जी को या लाला लाजपत राय जी को क्या बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए. ठीक है, तो जैसे ही राज बिहारी बोस को अनाउंस किया गया प्रेसिडेंट में, आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे, क्योंकि वो ऐसे भी एक्सट्रीमिस्ट थे, क्यों, क्योंकि वो वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेंस कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, एंड इसीलिए आपका सूरज का स्प्लिट आपको देखने को मिला. वाइल एक्सट्रीमिस्ट वॉन्टेड टू एंड द टायरनी रूल ऑफ ब्रिटिश थ्रू प्रोटेस्ट. एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, वो आपके बेसिकली ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहते थे प्रोटेस्ट के थ्रू यानी विद्रोह करके. मॉडरेट चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, यानी आप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में यानी बातचीत से सुलझाना चाहते थे, है ना. आपको पता होगा एक्सट्रीमिस्ट का क्या बेसिकली रोल था, कि वो लोग प्रोटेस्ट विद्रोह ये हथियार उठा के बेसिकली करना चाहते थे वायलेंस से. एंड मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने जो भी ब्रिटिश रूल को खत्म कर सके. द एक्सट्रीमिस्ट कैंप वॉज लेड बाय लाल बाल एंड पाल, एंड मॉडरेट कैंप वॉज हेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. तो आपका एक्सट्रीमिस्ट जो कैंप था वो किसने लेड किया था, लाल बाल पाल ट्रायो ने, एंड मॉडरेट का कैंप था किसके हाथ में था, गोपाल कृष्ण गोखले. आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, तो आपको सिंपली बताना है गोपाल कृष्ण गोखले जी का रिलेशन किसके साथ में, गांधी जी के साथ में. ठीक है, क्या थे ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, दिस इज द मेन थिंग. ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन पे आते हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं. कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या रोल था, ही प्रोपेगेटेड स्वदेशी मूवमेंट. तो जो आपके स्वदेशी मूवमेंट थे, ठीक है, उसको इन्होंने प्रोपेगेट किया ताकि लोग क्या कर सके, बायकॉट कर सके. जो भी आपके फॉरेन गुड्स थे, जो बेसिकली आपको पता होगा ना, आपके जो UK वाले थे वो क्या करते थे, सारी की सारी चीज़ें लेके चले आते थे, जो भी आपका बेसिकली इफ यू नो, तो वो वहाँ के कॉटन जो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते थे वो यहाँ पर लाके बेचते थे, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके मेन्स के आंसर राइटिंग में भी आती हैं. तो आपका हैंडीक्राफ्ट डैमेज हो गया था, उसी को बायकॉट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था. दूसरा, इंडियन होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं. इट वॉज अ मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल मूवमेंट. ये ब्रिटिश इंडिया में एक मूवमेंट था, किसके तर्ज पर चलाया गया था, किसकी लाइन्स पर, आयरिश होम रूल मूवमेंट पर. 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था, एंड हैव बीन बिलीव टू हैव सेट स्टेज फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. एंड ऐसा माना गया था
कि ये जो मोमेंट था आपका बेसिकली इंडियन होम रूल मोमेंट, इसके तहत हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल सकती है, यानी स्वतंत्रता मिल सकती है। किसके लीडरशिप में था? एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के बेसिकली लीडरशिप में, फॉर एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास इंडियंस। और ये बेसिकली अगर आप कह सकते हैं तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग जो अपर क्लास इंडियंस थे बेसिकली उनके लिए मूवमेंट लाया गया था। तो ये भी बेसिकली आपके कंट्रीब्यूशन की बात आप कर सकते हैं जो आपके बाल गंगाधर तिलक का था आपके स्वदेशी मूवमेंट में। नाउ ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फाउंडेड बाय तिलक इन अप्रैल 1960 एट बेलगाम। बेलगाम की बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे को छोड़ के एक्सेप्ट बॉम्बे, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो आपका सेंट्रल प्रोविंस है कर्नाटका एंड बिरार, इन सारे एरियाज में आपके तिलक जी के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तिलक जी से रिलेटेड, है ना। फिर हम आते हैं लखनऊ पैक्ट पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हेडेड बाय तिलक एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो आपका लखनऊ पैक्ट बेसिकली कब हुआ था? 1916 में। किसके बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, जिसके उस टाइम पे हेड कौन थे? तिलक थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में था, ठीक, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम लोग यूनाइट कर सके नेशनल स्ट्रगल के लिए, यानी कहीं ना कहीं नेशनल अगर आप स्टेट पे देखेंगे तो उनको फाउंड करने के लिए, फाइट करने के लिए आपके ब्रिटिश को ये पैक्ट हुआ था जो आपका 1916 में हुआ था। तो उसको हेड किसने किया था? तिलक जी ने किया था, ठीक है। नाउ जेल की बात करते हैं, 1908 तक से लेके 1914 तक उन्होंने 6 साल मांडले प्रिजन में काटे थे, ठीक है, फॉर एक्शंस ऑफ रिवोल्यूशनरीज कुंडीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, ठीक है। तो क्यों किया था? फॉर डिफेंडिंग द एक्शंस, जो भी बेसिकली आपके दो रिवोल्यूशनरीज थे जो, और आपके अगर आपको पता हो विद्रोह करता थे कौन कौन से थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, उनको डिफेंड करने के चक्कर में इनको मांडले जेल में 6 साल तक डाल दिया गया था। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की हैड ट्राइड टू असैसिनेट द डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर किंग्सफोर्ड बाय थ्रोइंग बॉम्ब्स। आपको पता होगा एक कैरियर था जो उनको लेके जा रहा था दोनों लोगों को, आपके डिस्ट्रिक्ट जज से किंग्सफोर्ड, ठीक है, उनको मारने के चक्कर में उनके ऊपर बम गिराया गया था इन दोनों के द्वारा, एंड उन्हीं को डिफेंड करने के लिए बेसिकली आपके तिलक जी जेल गए थे। न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आपको तिलक जी के द्वारा देखने को मिल जाएंगे, वीकली केसरी जो आपका मराठी में आता था, मराठा जो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये आप चाहे प्री के पॉइंट से देखिए, मेंस के पॉइंट से देखिए, या फिर आप कह सकते हैं आप SSC की प्रिपरेशन की बात करिए, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स जो उन्होंने लिखी थी, एक इज गीता रहस्य एंड अनदर इज आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है। तो गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आपकी बेसिकली तिलक जी ने लिखी थी। He died on August 1, 1920, है ना, August 1, 1920 को इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये बेसिकली आपके किसके बारे में था? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जो आपकी न्यूज में थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो आपको मेरे को बताना है, ठीक है। दूसरा, राइट डाउन वन मेंस क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपसे तो वो भी मुझे आपको बताना है। थोड़े से की पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा आपके कमेंट सेक्शन में, दैट इज व्हाट कि डिफाइन द रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, डिफाइन द रोल ऑफ, इफ आई वुड से आपके तिलक जी की बात करते हैं, डिफाइन द रोल ऑफ तिलक इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एजुकेशनल, ठीक है, एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो दोनों में ही आपको बताना है कि किस तरीके से आपके बाल गंगाधर तिलक जी की अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन पे आते हैं, जो हमारे दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है चंद्रशेखर आजादी। 23 जुलाई की बात करते हैं तो पे ट्रिब्यूट टू फॉरेन फाइटर चंद्रशेखर आजाद, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी थी तो इनको भी ट्रिब्यूट पे किया गया था। ही इज चंद्रशेखर आजाद, वी ऑल नो। नाउ बर्थ कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को बेसिकली इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, जो आपका अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पर। अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो चंद्रशेखर देन अ 15-year-old स्टूडेंट ज्वाइन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो 15 साल तक बेसिकली आपको एज अ स्टूडेंट यह देखने को मिलेंगे, उसके बाद इन्होंने जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको ज्वाइन कर लिया था दिसंबर 1921 में। एज अ रिजल्ट ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है। क्यों अरेस्ट कर लिया गया था? बेसिकली ऑन बीइंग प्रेजेंटेड इनको क्या किया गया, इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया, ही गेव हिज नेम एज आजाद द फ्री, हिज फादर्स नेम वॉज एज स्वतंत्र इंडिपेंडेंस एंड हिज रेजिडेंस एज जेल। तो जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही थी, खुद का नाम इन्होंने बताया था, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे पापा का नाम, मेरे फादर का नाम स्वतंत्र इंडिपेंडेंस है एंड
मकान जो मेरा घर है वो देली है, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टेटमेंट जिसकी वजह से और गुस्सा हो गए थे ना, अगर आपको इंसिडेंट पता हो तो। देयर ही केम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आजाद, एंड वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। तो ही इज ऑल्सो द वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इनके बारे में बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं बेसिकली, आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाय गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का आपको पता हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। आज़ाद ज्वाइंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आज़ाद ने क्या किया था बेसिकली, आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसको ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी एच आर ए क्या था आपका, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश इन 1924 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था ईस्ट बंगाल में, किसके द्वारा, सचिंद्रनाथ नयाल के द्वारा, ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, नरेंद्र मोहन सेन एंड प्रतुल गोंगली, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा इसके ऑफशूट के रूप में, किसके ऑफशूट के रूप में, अनुशीलन समिति। तो जो अनुशीलन समिति थी उसी के ऑफशूट के रूप में एचआरए को बनाया गया था, सचिंद्रनाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन एंड प्रतुल गोंगली के द्वारा ये आपका बनाया गया था, जो आपको पता होना चाहिए। नाउ मेंबर्स की बात करते हैं, तो भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान एंड राजेंद्र लाहिड़ी, ये बेसिकली आपके एचआरए के मेंबर्स थे। अगर किसी ने मूवीज वगैरह देखी होंगी तो उसमें बहुत इन लोग का नाम आ जाता है साथ में, है ना, एचआरए बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, देखते हैं काकोरी इंस्पिरेशन की बात करते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। तो उसमें आपके मोस्ट ऑफ द फंड कलेक्शन फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वॉज डन थ्रू रॉबरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि सरकार आपके लोगों को लूट रही थी, तो इनका मानना था सरकार को लूटो। तो ज्यादातर जो भी इनकी विद्रोह वाली एक्टिविटीज होती थी रिवोल्यूशन वाली, वो ये लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रॉब करके, चोरी करके लेके आते थे। इन लाइन विद द सेम, उसी की तर्ज पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि चोरी करके ही इनको पैसे लाने होते थे, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी बेसिकली ऑर्गेनाइज की गई थी, कहां पर, काकोरी लखनऊ में 1925 लगभग एचआरए के द्वारा, ठीक है। तो 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी बेसिकली आपको हुई थी, लखनऊ के पास में एरिया है वहां पर। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड बाय चंद्रशेखर आजाद, इसको किसने एग्जीक्यूट किया था, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल में, अशफाकुल्ला खान ने, राजेंद्र लाहिड़ी एंड मनमथन गुप्ता ने, ठीक है। तो बेसिकली मनमथननाथ गुप्ता अगर बात करते हैं, तो इन सब ने मिलकर जो आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी वो आपकी ऑर्गेनाइज की थी, वो उसको बेसिकली प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, ठीक। तो आपको ये नाम जरूर पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसको बेसिकली अगर बात करते हैं, एचआरए जिसमें आपके चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, आपके बिस्मिल जी थे, आपके लाहिड़ी, ठीक है, सारे लोग थे, इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, इसको आपके एचआरए को रीऑर्गेनाइज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर आप बात कर सकते हैं तो रिपब्लिकन एसोसिएशन को बना दिया गया। ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था, इन फिरोज शाह कोटलाइन न्यू दिल्ली बाय चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, अशफाकुल्ला खां के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, सुखदेव थापर के द्वारा एंड जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था बेसिकली, इफ यू नो, तो आपके फिरोज शाह कोटला में, नई दिल्ली में, ठीक है। एचएसआरए प्लान किया गया था द शूटिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स अ ब्रिटिश पुलिसमैन एट लाहौर इन 1928, ठीक है। यही बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया था, ब्रिटिश के पुलिसमैन थे जिनका नाम था जेपी सॉन्डर्स, उनकी शूटिंग का प्लान किया गया था टू अवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय, ताकि क्या कर सकें, जो लाला लाजपत राय जी को बेसिकली आपको पता होगा ना किस तरीके से उनकी हत्या हो गई थी, मतलब वो नेचुरल डेथ नहीं थी, इट वॉज, ठीक है, लाठी मार के, तो आपको पता होगा। तो उसी को अवेंज करने के लिए, उसी की बेसिकली आप कह सकते हैं रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए इन्होंने ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की थी। नाउ डेथ की बात करते हैं, तो आपको पता होगा आजाद पार्क जो आपको देखने को मिला था, अभी आप चले जाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको देखने को मिल जाएगा आजाद पार्क अलाहाबाद में, बेसिकली इनकी डेथ हो गई थी 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। सो दिस इज द मेन अबाउट आपके बेसिकली चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, एंड यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस हिज रोल, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, एक और क्वेश्चन आपके मेंस के लिए, कि आपको डिस्कस करना है चंद्रशेखर आजाद जी का जो भी रोल है आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक है। क्या क्या मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो क्या इनका रोल रहा है वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। दिस इज द आई थिंक होल अबाउट, ये पूरा का पूरा आपका न्यूज आर्टिकल्स, सॉरी, दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे। इसके बाद आपके लिए और भी आर्टिकल्स आने वाले हैं, यानी आई विल ट्राई कि आपके हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। मैं उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में, चाहे आप एडिटोरियल्स की बात करिए, ठीक है, एडिटोरियल्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस, एडिटोरियल्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्या कर सके,
आपके जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन दैट विल बी कंबाइंड, ठीक है. तो प्रिलिम्स एंड एडिटोरियल्स हो ऑल विल गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चैनल, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट, एक्सेल लर्निंग इज द नेम ऑफ द चैनल, ठीक है. इसको लाइक कर दीजिएगा एक बार. एंड इफ यू आर लाइकिंग, इफ अगर आपको कोई और भी अपग्रेडेशन चाहिए, आप कोई और चीज़ उसमें मैमेंट चाहते हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है. आई वुड हार्डली एंड वेलकम योर कमेंट्स एंड आपके जो भी सजेशंस होंगे, ठीक. सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दैट इज एक्सेल learning and do like and comment on the videos. Thank you everyone. Okay.